हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी मस्त स्वस्थ हूँ एकदम। तो आशा करती हूँ आप लोग भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में। आजकल गर्मी से भी थोड़ी सी राहत मिली क्योंकि थोड़ी बहुत बारिश हुई, एक दिन हुई, मतलब कल रात को भी हुई, 11:30-12 का बजे तक हुई। थोड़ा सा जो है वेदर ठंडा सा हुआ। बहुत दिनों बाद आज बना रही हूँ मैं व्लॉग, आई थिंक जून के महीने में पहला व्लॉग होगा जून मंथ में। अभी बजे हैं सुबह के 8:30 हुए हैं। तो यहाँ पे राजमा भीजी खत्म कर दी और फिर इस जो डांगा बोलते हैं उसमें पानी डाला और सब्जियों में पानी डाला, जो भी बैंगन, हरी मिर्च, टमाटर, फूल गोभी, बंद गोभी वगैरह बीजे हुए थोड़े बहुत मैंने। अब आई हूँ घर। घर क्या, घर के ही साथ थी और मेरे पास आए थे शौर्य के पापा। बोलो गुड मॉर्निंग। बोलो बेटा गुड मॉर्निंग। शौर्य हो गया बहुत बड़ा, बाल काट के इतनी बड़ी हो गई, बाल काट के ऐसे बोल रहे हैं। चलो बोलो गुड मॉर्निंग। बोलो बेटू, बोलो ना गुड मॉर्निंग। बोलो देखो गुड मॉर्निंग। बोलो अरे छाप करनी है आपको, क्या हुआ? पल करनी है। शौर्य को सुबह सुबह लगी बिच्छू बुट्टी, पता नहीं पड़ी गई होगा नलके के पास कहीं। बना सकती हूँ बस, और बाय बाय। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। शाम के बज चुके हैं 5:30। हम लोग आए खेत, मैंने 2 कस्सी वहाँ पे लगाई, 2 यहाँ पे, काफी नीचे है तो हम लोगों ने ये मिट्टी खोद के यहाँ पे डालनी है और थोड़ा सा इसका लेवल जो है ना बढ़ाना है। मैं तो आ गई हूँ कश्ती बेलचा लेके। बेलचा मारने वाला मेरा पार्टनर नहीं आया, मैं कर रही हूँ डेविड का वेट, हो नहीं आया अभी, पता नहीं कहाँ चले गए। तो मेरे को फिर पहले लगा कि वहाँ पे खोदती हूँ, पर वहाँ पे जो है ना पथरीला है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मिट्टी डाली है नेपालियों ने, तो यही ठीक रहेगा। यहाँ पे अगर इसको हटाएंगे मिट्टी को तो नीचे को जो है पथरीली ज़मीन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा सा पत्थर लगा था एक खोदते हुए। अब यहीं से करती हूँ स्टार्ट और यहीं बोलूँगी इनको भी कि यहीं से खोदेंगे, आएंगे पता नहीं कब, तब तक मैं खोद के रखती हूँ ताकि हम सीधा ही बेलचा बेलचा लगाएंगे मिल के।
हम लोग बारी बारी से बेलचा लगा रहे थे और कूद रहे थे, तो तब तक शौर्य भी पहुंच गया था। और फिर इसकी ज़िद की, भाई मैं भी करूँगा, तो ये भी अपने पापा के साथ जो है बेलचा खींचने लग गया था। आज मैंने बनाए थे पोंडू, क्योंकि शौर्य को पोंडू बहुत पसंद है। तो वो जो है 2-4 दिन से लगा था कि मम्मा पोंडू पोंडू करने हैं, फिर मैंने सोचा आज इसको ब्रेकफास्ट में पोंडू बना देती हूँ। इसलिए मैंने शाम को आटा गूंद लिया था और उसमें थोड़ी सी लस्सी डाल के, आटा आजकल वैसे ही थोड़ी गर्मी है तो फूल जाता है, और मैंने थोड़ी सी लस्सी डाल के जो है बहुत सॉफ्ट हुआ था। तो उसके बाद हम लोग गए खेत, ये देखो पौधा सूख रहा है, हमने घास डाला उसके तने में और फिर दिया इसको पानी। गर्मी की वजह से पत्तों में कीड़े पड़ गए हैं, दानों में भी कीड़े लगे हैं और बुरे हाल है पौधों के। तो आजकल यही काम है। फिर घर आके मुझे दिखी बटरफ्लाई सुंदर सी, और ये कहीं जा भी नहीं रही थी, हाथ वगैरह मतलब शौर्य ने भी छेड़ा इसको, ये कहीं हेलो कर शौर्य साथ अच्छे से पापा के साथ कर बोली हेलो अच्छे बोली छू छोड़ो नहीं इसके हिंडू। हाँ ओए काला रे बा चाहे फुकू मारे इसके मुंह में, चाहे फुकू मारे इसके मुंह में इसके यार के मुंह में आपके गुड मॉर्निंग फ्रेंड, और एक नई मॉर्निंग के साथ स्वागत है आपका मेरे व्लॉग पे। तो थोड़ी सी सरसों भीजी थी, ये सब्जी वाला सरसों था, तो मैंने सोचा ये पक गया था काफ़ी टाइम से, ऐसे ही मैंने निकाल के रखा ही पड़ा हुआ था ये, तो मैंने सोचा आज इसके दाने भी निकाल ही देती हूँ मैं, क्योंकि हवा से जो है कभी इधर गुर गिर रहा था कभी इधर गिर रहा था। तो मैंने मॉर्निंग में कुछ काम नहीं था, सब्जी वब्जी को पानी पुनी देने के बाद जो है मैंने फिर ये सरसों निकाला। ये बिल्कुल सूखा हुआ था, बस बिल्कुल पतले डंडे से थोड़ा थोड़ा मारना पड़ा और सारे दाने छूट गए इसके। अपने घर की ऑर्गेनिक चेरी, ये मैंने वॉश करने को डाल दिए। मैं अभी दिखाऊंगी आपको पेड़ और वहां से थोड़ी सी निकाल के लाऊंगी, और क्योंकि पक्षी जो है ना सारी चेरियों को ना निकाल निकाल के लेके जा रहे हैं। शौर्य के खिलौने में शौर्य के लिए, शौर्य
ये क्या है? बर्थडे है। हाँ यहाँ से पकड़ते हैं। क्या है ये? हाँ? ये कैसी होती है बेटू? अच्छी यमी और हाँ? तुमको खाने है? नहीं आप खाओ। यमी होती है बेटू? कैसी होती है? ये भी यमी है। इसकी गुठली फेंक देना है ना। शौर्य जो है विद गुठली इसको निगल लेता है। इतनी मीठी है मैं बता नहीं सकती आपको। मेरे चूड़े से मिल रहा है इसका कलर। मैं जा रही हूँ चेरी निकालने। पहाड़ी में इसको बोलते हैं छबड़ू। और वैसे पता नहीं इसको न्यूज़ पेपर इसलिए लगा रही हूँ कि इसके जो ये है ना थोड़े से पैने पैने से है। चेरी डालूंगी तो जख्मी हो जाएगी और जख्मी होगी तो जल्दी खराब हो जाएगी। सो दैट मैंने इसमें ये लगा दिया न्यूज़ पेपर। ये है इसका ढकनू। तो हम लोग जा रहे हैं। शौर्य भी है मेरे साथ। शौर्य उठा रहा है दराट। चलो इधर दे दो मामा को, चोटू लगती है इससे। अब मिलते हैं आपसे खेत में। हाँ इधर आओ यहाँ जैसे खेलो। ये है चेरी का पेड़। दिख रही होगी कि नहीं। अभी मैं इसको इसमें ऊपर चढ़ूंगी। ये तो एप्पल है। एप्पल जो मैं अच्छे से दिखाती हूँ। नहीं मिली चेरी मिली। इनको निकालूंगी। नहीं बेटू नहीं, पापा मारते हैं। ये Thank you.
जल्दी आओ। बैठो, थक गई ना शौर्य, थक गई? इसकी क्या हुआ है शौर्य? किसके लिए लाएगी? अच्छा, आपने निकाली पुलचे? नीचे की ऊपर पेड़ में शौर्य गई थी। पापा को देनी है कि नहीं देनी? नहीं, पापा को नहीं देना। रियाला तो खा दिया आपने। चलो बाय बाय बोल दो। चलो बोलो बोलो, कल आएंगे। बाय। चेरी तोड़ है ना, मैं चेरी के पेड़ में काफ़ी ऊपर तक गई थी क्योंकि वीडियो तो मेरी कट हो गई थी, कॉल आ गई थी शायद किसी की, तो फ़ोन तो नहीं चलेगा। तो ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, तो पेड़ ना इसका कच्चा होता है, मुझे लगा डर कहीं गिर ना जाऊँ। फिर घर आके लंच वंच बनाया, लंच किया और अभी तो शाम को 5 बज गए हैं, तो 12 बजे हम लोग चेरी तोड़ने गए थे। तो अब डिनर की डिनर भी बना हुआ है, चपातियाँ बनाई हैं, मतलब हम 2-3 जने तो हैं खाने वाले, 2 जने रख लो गए, मेरे हस्बैंड और शौर्य, तो कितना खाना होता है। तो चपाती चपाती बनाऊंगी, चने बच्चे भी हैं, सभी बच्चे। तो आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट तो करता ही नहीं, वो भी कर लेना अगर कोई दिख रहा होगा तो। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, बाय बाय।